यूपी के मथुरा समेत पूरे ब्रज मंडल में होली का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। मथुरा, वृंदावन, गोकुल और बनारस में बरसाना में बीते कई हफ्तों में मंदिरों में होली के उत्सव का आयोजन हो रहा है। रंगभरी एकादशी पर्व से कान्हा की नगरी में भी रंगोत्सव का उल्लास शुरू हो चुका है। चारों तरफ श्रद्धालु सराबोर होकर भक्ति के रस में गोते लगा रहे हैं। एक और सेवायत गोस्वामी जन की ओर से होली के रसियाओं का पारंपरिक गायन और दूसरी ओर बांके बिहारी लाल के जयकारे वातावरण में गूंजते सुनाई पड़े। भगवान श्री कृष्ण को रंग लगाने के साथ ही शुरू हुआ उत्सव पूरे रंग में दिखाई दिया। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर, राधा रमण मंदिर और कई देवस्थानों पर जमकर होली खेली गई। ब्रज होरा ये कैसा देश निगोड़ा। आज वैसे तो ब्रज में सवा महीना पहले ही ठाकुर जी का होली उत्सव शुरू हो जाता है, लेकिन ब्रज में नौमी के दिन बरसाने में, दसवीं के दिन नंदगांव में, और फिर जिस दिन हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी जगमोहन में आकर जब होली खेलते हैं कि फेंट में गुलाल, हाथ में पिचकारी, गालों पे गुलाल के गुलचा, तो ब्रज तो रंगमय हो जाता है और भक्त लोग दर्शन के लिए तरसते हैं। पूरा ब्रजमंडल, ब्रह्मा और शिव भी ठाकुर जी के दर्शन के लिए तरसते हैं। ऐसा होली का महोत्सव आज से ठाकुर जी 5 दिन तक लगातार जगमोहन में बैठ के अपने भक्तों को होली के दर्शन देंगे। ये होली महोत्सव बिहारी जी को बहुत प्रिय है, क्योंकि ठाकुर एक ऐसा ही त्यौहार है तो जिसमें 5 दिन ठाकुर जी होली में विराजते हैं। आप भक्तों का उत्साह देख रहे हैं, भक्तों का उत्साहवर्धन देख रहे हैं। ठाकुर जी की छवि बड़ी छुट निराली होती है और ठाकुर जी को ऐसे दर्शन होते हैं कि गालों पे जो रंग बिरंगे गुलचे लगे होते हैं, जिन जिन गोपियों ने तरह तरह के गुलाल डाले होते हैं, वो गुलाल का रंग ठाकुर जी की श्वेत वस्त्र पोशाक धारण होती है, उस पे दिखता है कि किस गोपी ने कौन सा रंग मारा है। तो ऐसी ब्रज की हमारी अनूठी होली आज से ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की प्रारंभ हो चुकी है।